नारे तकबीर अल्लाह अकबर। इसलिए जो वोट लेता है मुझसे वो हमारे कैंडल निकालेगा, वोट देंगे नहीं तो बिल्कुल बायकॉट करो। अगर ईमान है करदाइयों में बस मेरे पास सीधी ये गम गुस्सा जितना भी है ये पर हक है। जब तक हम लोगों के पास टनल हमारा टनल नहीं होगा तब तक कोई इलाज इस हाथ का नहीं हो सकता है। मैंने यही रिक्वेस्ट की, इसीलिए कही कि भाई कम से कम अगर गाड़ियों का शेड्यूल चेंज कर दें, सुबह सवेरे छोड़ दिया जाए गाड़ियों को, उस वक्त बर्फ़ जमी होती है, कोई स्लाइड वगैरह आने का खतरा नहीं होता है। जितना भी है ये इस साल का प्रोग्राम ही जितना भी है गाड़ियों का ये सब धर्म बर्म हुआ है। कोई समझ नहीं आती है कि इससे मिलता क्या है लोगों को। पहले हम कल एक जनाजा यहाँ डने से यहाँ लिया गया वापस। एक महीना पहले एक औरत यहाँ खूनी नाले में मर गई। यहाँ ठंडे होकर बीमार लाते हैं, बीमार रास्ते में मर जाते हैं और उनको वापस लेना पड़ जाता है। ये शेड्यूल मेरी रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, कमांडर साहब से है, गवर्नर साहब से है कि कम से कम ये शेड्यूल जो है ये चेंज करके सुबह सवेरे 6 बजे गाड़ियां छोड़ दें यहाँ से, ताकि उस वक्त बर्फ जमी हुई होती है और गाड़ियां अपने टाइम पे पहुंच जाएंगी और स्लाइड वगैरह नहीं आएंगे, या फिर शाम के लेट छोड़ेंगे तब जाकर मतलब ये स्लाइड नहीं आएंगे। वरना ये जो शेड्यूल आज का रखा हुआ है ये तो हमारे साथ जिद है, सरासर जिद, हम मानते हैं जिद है ये, क्योंकि बर्फ नरम हो चुकी है और ये बर्फ़ हमेशा मतलब गिरती रहेगी और गाड़ियां बंद होती रहेंगी। लिहाजा इसका यही इलाज है कि एक तो शेड्यूल गाड़ियों का चेंज होना चाहिए, टनल की डिमांड जो है हमारी सब। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ लोकल करनाह से जो पिछले 5 घंटों से जो है खूनी नाला के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन इनकी चीख व पकार आज तक किसी ने ना सुनी ना सुन रहा है। इनका यही मानना है कि कोई भी लीडर अगर कोई भी नेता करनाह का दौरा करता है वो खाली वोट बैंक बनाने के लिए करता है, बल्कि इन गरीब आवाम की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता। ये आज आला हुकाम से, गवर्नर इंतजामिया से, खासकर DC कुपवाड़ा से अपील करते हैं कि आखिर ये जो है बुरा सलूक इनके साथ कब तक होता रहेगा। इनका यह भी मानना है कि कई बच्चे जो हैं बीमार हैं गाड़ियों में, कई औरतें बीमार है वो सफर